चार साल की उम्र में वो ग्रीक सीख जाते हैं और 7 साल की उम्र के होते होते वो लैटिन जैसे डिफिकल्ट लैंग्वेज पर भी कमांड हासिल कर लेते हैं। 14 साल की उम्र में वो अपनी पहली किताब लिख देते हैं और 17 साल की उम्र के होते होते वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी पा लेते हैं। इतने इंटेलिजेंट, इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी 21 साल की उम्र में J.S. मिल का नर्वस ब्रेकडाउन होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। 24 साल की उम्र में वो हैरियट टेलर से मिलते हैं जिनके साथ 20 साल दोस्ती में रहने के बाद वो शादी भी कर लेते हैं। इंग्लैंड में पैदा होते हैं J.S. मिल और फ्रांस में उनकी डेथ हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम J.S. मिल के पॉलिटिकल थॉट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये J.S. मिल वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम J.S. मिल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि समझना ज़रूरी है फर्दर वीडियोज़ में उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। J.S. मिल के एरा में जाकर के उनके सराउंडिंग को समझ करके उनके थॉट को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि J.S. मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे। वो एक इकोनॉमिस्ट और एक स्टेट्समैन यानी कि राजनेता भी थे। उनका जन्म 20th of May 1806 को लंदन के पेंटॉनविले नामक जगह पे हुआ था। J.S. मिल के पिता का नाम था जेम्स स्टुअर्ट मिल, और जेम्स स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम के बहुत बड़े फॉलोअर और उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे। अब इन तीनों के रिलेशन को समझते हैं कि जेम्स स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल और जेरेमी बेंथम के बीच का क्या रिलेशन है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पिता और बेंथम दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस है J.S. मिल के लाइफ पे, उनके विचारों पे, उनके थॉट्स पे। जेरेमी बेंथम जो हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर थे। यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियोरी है वो बेंथम ने ही दी थी। अब ये यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी क्या है तो शॉर्ट में समझते हैं। फर्दर वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम J.S. मिल के यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बेंथम है, बेंथम ने कॉन्सेप्ट दिया था, थियोरी दी थी यूटिलिटेरियनिज्म की। यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी कहती है कि मैन शुड डू व्हाट गिव्स हिम प्लेजर एंड मैन शुड अवॉइड व्हाट गिव्स हिम पेन। यानी कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो काम करने से उसको प्लेजर यानी कि खुशी मिलती है, और वो सारे काम अवॉइड करना चाहिए जो करने से उसको पेन होता है यानी कि दुख होता है। ये है यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी जो कि जेरेमी बेंथम ने दी थी। अब जो जेरेमी बेंथम है वो जेम्स मिल के बेस्ट फ्रेंड थे और जेम्स मिल फॉलोअर भी थे बेंथम के। वो बेंथम की थ्योरीज को सपोर्ट करते थे, उसको फॉलो करते थे। तो बेंथम और जेम्स मिल आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जेम्स मिल के बेटे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि J.S. मिल। J.S. मिल को एक्चुअली बेंथम और जेम्स मिल यानी कि उनके पिता और उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर पढ़ाते थे। J.S. मिल कभी स्कूल नहीं गए। J.S. मिल को उनके पिता जेम्स मिल और उनके पिता के दोस्त जो कि J.S. मिल के गुरु भी थे, टीचर भी थे, वो दोनों मिल करके J.S. मिल को पढ़ाते थे। अब इन तीनों का रिलेशन आप समझ गए। बेंथम वो है जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी दी है, और बेंथम और J.S. मिल के पिता जेम्स मिल दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बेंथम और जेम्स मिल दोनों मिल करके J.S. मिल को पढ़ाते हैं और उनका पूरा करिकुलम डिजाइन करते हैं, उनकी होम स्कूलिंग करते हैं। तो J.S. मिल की जिंदगी में, उनकी लाइफ के शुरुआती दिनों में उनके पिता जेम्स मिल और उनके गुरु बेंथम का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत प्रभाव रहता है। J.S. मिल की होम स्कूलिंग होती है, उनको घर पे ही पढ़ाया जाता है उनके पिता और उनके गुरु बेंथम द्वारा। अब J.S. मिल इतने इंटेलिजेंट होते हैं और इतना हार्डवर्क उनसे करवाया जाता है कि वो 4 साल की उम्र में ग्रीक सीख जाते हैं, 7 साल की उम्र में वो लैटिन सीख जाते हैं, और 13 साल की उम्र के होते होते उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो एक कॉलेज ग्रेजुएट को टक्कर दे सकते हैं। मतलब 13 साल की उम्र में वो कॉलेज ग्रेजुएट के बराबर नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं। अब वो सेक्रेटरी बन जाते हैं और रिसर्च असिस्टेंट बन जाते हैं अपने पिता के। एक्चुअली वो अपने फादर जेम्स मिल और बेंथम जो उनके गुरु हैं, इन दोनों को उनके रिसर्च के काम में असिस्ट करने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा नॉलेज हो जाती है J.S. मिल के पास, इतनी किताबें अब तक वो पढ़ चुके होते हैं कि अब वो अपने पिता और अपने गुरु यानी कि जेम्स मिल और बेंथम दोनों को ही असिस्ट करने लगते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं उनके रिसर्च के काम में। अब देखो क्या होता है, 17 साल की उम्र में J.S. मिल को नौकरी मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। यस, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटेन की कंपनी है जो हमारे देश में आती है ट्रेडिंग करने के लिए, और बाद में इसी के थ्रू ब्रिटेन
हमें गुलाम बना लेता है, कॉलोनाइज कर लेता है। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 साल की उम्र में जेएस मिल को नौकरी मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद जेएस मिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी बन जाते हैं। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, तो जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो इसी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बन जाते हैं रिटायरमेंट के बाद जेएस मिल। तो हम देख रहे थे कि 17 साल की उम्र में उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अब देखो, इतने इंटेलिजेंट है जेएस मिल, इतनी कम उम्र में एक कॉलेज ग्रेजुएट के बराबर उनको नॉलेज हो गई, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ ली, बेंथम जैसे थिंकर और जेम्स मिल जैसे लोगों को वो असिस्ट कर रहे हैं इतनी कम उम्र में। फिर ऐसा क्या होता है कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखो होता क्या है कि जेएस मिल जो है वो बहुत हेक्टिक और मोनोटोनस लाइफ जी रहे होते हैं अपने फादर के अंडर में और बेंथम के अंडर में, इतना प्रेशर वो ले नहीं पाते हैं और 21 साल की उम्र में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एक लंबे समय के लिए मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका कारण वही है कि वो एक बहुत ही हेक्टिक, लेबोरियस और मोनोटोनस लाइफ उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया होता है, थोप दिया गया होता है उनके पिता द्वारा और उनके गुरु द्वारा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जेएस मिल अपने डिप्रेशन से रिकवर करने लगते हैं, और वो रिकवर कैसे करते हैं, विलियम वॉर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज, उनकी कविताएं पढ़ पढ़ के वो डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं और रिकवरी के बाद उनका जो नजरिया है लाइफ को देखने का वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। पहले वो अपने गुरु बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल के नजरिए से सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन अब उनका पूरा विजन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उनका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। वो उनके पिता और बेंथम की जो फिलॉसफी होती है, यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्रिटिकली देखने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अब बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था और मिल ने उसको कैसे क्रिटिसाइज किया, वो आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जहां पे हम जेएस मिल के यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को कवर करेंगे। अब देखो, जेएस मिल के जो थॉट्स थे वो उनके पिता जेम्स मिल और उनके गुरु बेंथम से अलग क्यों थे, तो इसका सिंपल सा रीजन है, आपके भी जो थॉट्स हैं वो आपके पेरेंट्स के थॉट से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एज गैप होता है, आप अलग एरा में जी रहे होते हैं, वो एक अलग टाइम को, एक अलग फेज को जी करके आ रहे हैं, तो उनकी सोच अलग होती है और आपकी अलग होती है। ठीक उसी तरह से बेंथम जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, वो लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनके टाइम में, उनका जो अटेंशन है वो उसी पे कन्फाइंड होता है, उसी पे सीमित होता है। लेकिन जेएस मिल जो है वो एक ऐसे एज से बिलोंग करते हैं जहां पे डेमोक्रेसी एसेंट में है। जेएस मिल एलेक्सिस डी टॉकविले की किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका को पढ़ते हैं, जहां पे उनका एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है और वो बिल्कुल अलग सोचने लगते हैं। टॉकविल ने उस किताब में आइडेंटिफाई किया है डेमोक्रेसी के सर्टेन पिटफॉल्स को, जिसका बहुत डीप इंप्रेशन पड़ता है मिल के सेंसिटिव माइंड पे। तो जेएस मिल डेमोक्रेसी को एक अलग तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आइडियल है लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सारे जो सिटीजन है वो डायरेक्टली जाकर के लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जिसको रूसो सपोर्ट करते थे। जेएस मिल कहते हैं कि ये आइडियल है लेकिन अब हम सिटी स्टेट में नहीं रह रहे हैं, अब हम नेशन स्टेट में रह रहे हैं या पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, अब जरूरत है कि लोग अपने नेता को चुने, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वो नेता जाकर के उनके लिए लॉज बनाए, कानून बनाए। तो जेएस मिल कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी आइडियल है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि अब हम नेशन स्टेट में रह रहे हैं ना कि सिटी स्टेट में। ये उनका डेमोक्रेसी का क्या थियोरी था वो हम फर्दर वीडियोज में, जब हम उनकी डेमोक्रेसी की थियोरी को कवर करेंगे, तो उसमें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको कवर कर रहे हैं ताकि एक ब्रॉड आइडिया लगे कि जेएस मिल आखिर सोचते कैसे थे। जेएस मिल ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जो लोग कॉलोनीज में रह रहे हैं, जैसे हम इंडियंस को वो कहते थे, जो लोग कॉलोनीज में रह रहे हैं उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि वो खुद को गवर्न कर सके, तो उनके लिए नहीं है डेमोक्रेसी। जेएस मिल ये भी कहते हैं कि जो लोग ज्यादा एजुकेटेड है या जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, उनका जो वोट का वेटेज है वो भी ज्यादा होना चाहिए। जेएस मिल को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है या गवर्नेंस का जो काम है, लोगों को गवर्न करना, इस सिस्टम को रन करना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है जो सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही कर सकते हैं, सभी लोग उसको नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि जो ज्यादा क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है या जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन लोगों का जो वोट है उसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए। ये सब हम उनकी डेमोक्रेसी की थियोरी में डिटेल में कवर करेंगे। मिल जो
जो है वो लिबर्टी के बहुत बड़े चैंपियन है। उनकी लिबर्टी की थियोरी में हम इस पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, अब वो अलग नजरिए से जिंदगी को देखने लग जाते हैं, अपने गुरु बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी को क्रिटिकली देखने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनकी सोच बेंथम और उनके पिता जेम्स मिल की सोच से अलग हो जाती है, वो अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलेक्सिस डी टॉकविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका अलग कॉन्सेप्ट बिल होता है डेमोक्रेसी को लेकर के। लिबर्टी के वो आइडेंट चैंपियन कहलाते हैं। 24 साल की उम्र में वो हैरियट टेलर से मिलते हैं। हैरियट टेलर के साथ 20 साल दोस्ती में रहने के बाद वो उनसे शादी भी कर लेते हैं। अब हैरियट टेलर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हैरियट टेलर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मिल के ऊपर। जेएस मिल खुद कहते हैं कि उनके ऊपर उनकी वाइफ हैरियट टेलर का इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ज़्यादा। उनकी जो फेमस क्रिएशंस हैं ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो दोनों ही में उनकी वाइफ हैरियट टेलर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन तो वो अपनी वाइफ के साथ मिल करके लिखते हैं। अपनी किताब सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में वो वुमेन्स को के वोटिंग राइट को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वुमेन्स को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए। वो वुमेन्स के डाइवोर्स के राइट को भी सपोर्ट करते हैं। उनकी थियोरीज में भी देखने को मिलता है उनकी वाइफ हैरियट टेलर का इन्फ्लुएंस। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो उनकी फेमस बुक है, वो उन्होंने अपनी वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिल करके लिखा था। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसका नाम और उसका डेट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एमए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये किताबों के नाम ईयर वाइज आपको याद होना चाहिए। वो अपनी फर्स्ट बुक जो लिखते हैं 14 साल की उम्र में, 14 ईयर्स का बच्चा 1820 में एक किताब लिखता है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर 1843 में उनकी बुक आती है सिस्टम ऑफ लॉजिक। 1848 में वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखते हैं। 1859 में वो ऑन लिबर्टी लिखते हैं। 1861 में उनकी बुक आती है द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1863 में यूटिलिटेरियनिज्म आती है और 1869 में उनकी बुक आती है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इंग्लैंड में पैदा हुए थे जेएस मिल और 7 मई 1873 को उनकी डेथ हो जाती है फ्रांस के एविग्नन नामक जगह पे। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे जेएस मिल की लाइफ में अलग अलग लोगों का इंपैक्ट पड़ता है, कैसे उनका थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है, उनके पिता जेम्स मिल का और उनके गुरु बेंथम का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके थॉट्स पे, उनकी वाइफ हैरियट टेलर कैसे उनको इन्फ्लुएंस करती है, कैसे अलेक्सिस डी टॉकविले की किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका का उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो जिस एज में जी रहे होते हैं जहां पे डेमोक्रेसी एसेंट पे होता है उसका उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। अब ये सब समझने के बाद जब आप आगे फर्दर वीडियोस में जो हम थियोरीज उनकी कवर करने वाले हैं उनको जब आप समझेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि फर्स्ट जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कितना इंपॉर्टेंट था। आगे आने वाली वीडियो में हम मिल के यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी को समझेंगे, उनके लिबर्टी की थियोरी को समझेंगे, वहाँ पे हम उनका हार्म प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, उनकी डेमोक्रेसी की थियोरी को समझेंगे, उनकी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक बुक में उन्होंने क्या थियोरी दी थी, अपना क्या कॉन्सेप्ट शेयर किया था उसको हम डिस्कस करेंगे, मिल के पूरी थियोरी को, उनके पूरे पॉलिटिकल थॉट को हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।